है पब्लिक, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइज, क्या हाल चाल आप सभी के? तो गाइज, बड़े दिनों बाद आज प्लान बन चुका है और आज हम सब दोस्त जा रहे हैं वृंदावन व्रज भूमि। तो आज बड़ा आनंद आने वाला है। गाड़ी आ चुकी है हमारी और इसी के अंदर जाएंगे हम वृंदावन। और एक मित्र तो अंदर बैठा हुआ है, ये देखिए। सर कहाँ चल रहे अपन? हम ब्रज भूमि चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाउ टू फील? राधे राधे, फुल आनंद फुल। और ये मनोज जी है गाड़ी के ड्राइवर। बड़ा ही आनंद आएगा आज। गाड़ी आ चुकी है और हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए सारे मित्र, और मिलेंगे हम वृंदावन में। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे और बहुत ही शानदार ये यात्रा होने वाली है श्री धाम वृंदावन। चल रहे हैं, जो मेडिसिन ले लिए इन्होंने। सर किसकी किसकी ली टेबलेट? हमने एक तो किसी को भी, जैसे अपन परिक्रमा मार्ग में घूमेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉल का पाउच ले लिया, और एक तो हाथ पैर दर्द। और कहाँ चल रहे हैं अपन? मथुरा वृंदावन श्री राधे राधे। राधे राधे, जोरदार लुकिंग है गाड़ी की और एकदम ऐसी वैसी, एकदम मामला चिल रहेगा। और शुभम जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। सर राधे राधे। राधे राधे। निकल चुके हैं वृंदावन के लिए और ये हमारे सारे इष्ट मित्र, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और अब हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। और अभी पानी वानी की व्यवस्था की जा रही है। और शुभम जी, तो पानी वानी रख लिया अंदर गाड़ी के अंदर? हाँ। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत सर सर बिहारी जी की जय हो। आज वृंदावन जा रहे हैं और बड़े दिनों बाद ये ट्रिप की योजना बनी और बड़े आनंद आने वाला है। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय हो राधा रमन लाल की। जय हो प्रेमानंद जी महाराज की। और बहुत ही मन में बड़ा ही एक्साइटेड है हम बाकी बिहारी जी के श्री चरणों में जाने के लिए। और बिहारी जी आज आ रहे हैं हम सारे इष्ट मित्र इस गाड़ी के अंदर बैठ के। और ये पीछे थोड़ा उजाला अंधेरा है, हमारे गाइड गाड़ी के पीछे ये बैठे शुभम भैया और सौरभ जी। बहुत ही सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हमें। और आपको कैसा लग रहा है शुभम भैया? मजा आया। मजा पानी की पेटी ले ली है, पानी ले गए, पानी वानी व्यवस्था कम्प्लीट है और बड़ा आनंद है। इस टोल पे पहुंच चुके हैं हम और ये भारी वाहन हल्के वाहन वाला टोल, ये लबड़ा थोड़ा अजीब ही लगता है टोल दे और फिर गाड़ी से जाओ। ये आगे हमारे बहुत ही भारी वाहन है और थोड़ा सा समय लगेगा हमें यहाँ पे। तो ये भारी वाहन जो लिखा हुआ है वो किन के लिए लिखा हुआ, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। ये इधर देखिए, भारी वाहन वाले आगे बैठे हैं। इस देवली पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे। ये हमारी गाड़ी UA 1800 और अभी हम देवली इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। और ये सामने बहुत ही प्यारी होटल है, होटल रामेश्वरम। गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है सच में। अभी पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, फिर उसके बाद में आसे हमें गोयल पेट्रोल पंप पे जो देवली के अंदर स्थित है। और ये भैया हमें मिले हैं जो जिनसे हमने चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। नाइस टू मीट यू। अभी हम रुके हैं श्री देवनारायण भोजनालय जो कि टोंक के अंदर स्थित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध भोजनालय है, जब भी आप इधर पधारे यहाँ पे खाना जरूर खाइए। यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है पूरा और शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलता है। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और सारे दोस्त उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं देवनारायण भोजनालय में। अब हम खाना वाना खाएंगे, नींद भी आ गई थी, आंखें कुछ ऐसी हो रही है और बड़ा आनंद आ रहा है सफर का। खाना खाएंगे फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे श्री धाम वृंदावन। देवनारायण भोजनालय की रसोई घर है जो ओपन रसोई है और ये गुजर के ढाबे के नाम से फेमस है जो टोंक के अंदर स्थित है। और ये सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, पर खाना एकदम लजीज और एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। ये पूरा आप देख रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है आपकी? सर हम यहाँ पे दाल मखानी खाएंगे। अच्छा, और रोटी सबसे फेमस है। अच्छा, और आपको क्या खाना है यहाँ पे? मलाई सेव खाएंगे हम। काजू कतरी खाएंगे। काजू कतरी क्या खाओगे? देसी सब्जी मंगा लो। देसी सब्जी क्या होती है? व्हाट इज देसी? क्या मेन्यू में? बोलिए सर जी। दाल फ्राई है, आलू छोला है, आलू बटर है, बेसन गट्टा है, कड़ी पकौड़ा है, खोया पनीर है, मटर पनीर है, पालक पनीर, चना मसाला है, मलाई कोफ्ता है, मिक्स वेज है, सेव टमाटर, दही फ्राई है, काजू कड़ी, पनीर बटर मसाला है। बहुत जोरदार। गुजर के ढाबे में आनंद लेंगे खाने का और ऑर्डर हमने दे दिया और देखते हैं कैसा लजीज खाना यहाँ पे मिलता है। क्या खाएंगे? जो भी देखते हैं आपकी जो भी सबकी राय हो वो खाएंगे हम। अच्छा अच्छा, गाइस खाना आ चुका है, खाना वाना खाएंगे हम सब। का व्यू कितना जोरदार दिख रहा है यहाँ पे, लाइटिंग वाइटिंग है, देखिए आप रोड के ऊपर कितना शानदार। अली काली गटा छा रही, एट लाइन रोड है, बहुत ही शानदार रोड है, टॉप ऑफ टॉप।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये बहुत ही शानदार रोड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइस रास्ते में चलते चलते एक होटल पर रुके हैं, चाय वाय पियेंगे और काफी लेट हो चुके हैं और सुबह तक पहुंचेंगे वृंदावन और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। गाइस पहुंच चुके हैं वृंदावन बांके बिहारी के यहाँ पे और ये श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में यहाँ पे रुके हुए हैं। ये माहेश्वरी भवन है और अब रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सुबह चलेंगे दर्शन। श्री भवन के अंदर वृंदावन में ये रूम मिला हमें और ये अब हम आराम से यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में और वो सो चुके हैं हमारे शुभम जी और ये अब खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद में सुबह बड़ा ही आनंद आने वाला वृंदावन। और ये विशाल जी को देखिए आप, ये पजामे में नहीं देखा होगा इनको, आराम से देख लीजिए, ये खोली फट रही है तुम्हारी। ये विशाल जी डिंडा चर के आए हैं फिर भी सुबह के 4 बज रहे, अभी यहाँ घड़ी नहीं दिख रही, हाँ घड़ी ये रही सॉरी, ये देखो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और अब खाना खा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।